अमृत गुर पे पाया। सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीन्ही, सच्चा मन बसाया, सच्चा मन बसाया। दिय जंत सब तुध पाए, इक वेख परसन आया, इक वेख परसन आया। लव लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला भाया। कहे नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया। हर आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है और यह अंश सदा ही परमात्मा से मिल जाने के लिए लालायित रहता है। आत्मा को परम शांति और परम तृप्ति तभी मिल सकती है जब वो अपने आदि स्रोत जन्म ज्योति ब्रह्म से पुनः जाकर मिल जाए। आध्यात्मिक कला में प्रवीण संत और ज्ञानी आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाने के लिए ही समय समय पर इस संसार में आते हैं। परमात्मा जो एक मनुष्य अपने धरती पर आए, उन्होंने स्वामी जी के रूप में आत्मा को नाम का रहस्य समझाया और जगत को जागृत किया। कबीर, गुरु नानक, रविदास आदि संतों की इस परंपरा में संत सेठ शिवदयाल सिंह ने अवतार लिया, जो अपने भक्तों में स्वामी जी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म आगरा में सन 1818 में हुआ। इन्होंने आगरा में ही सन 1861 में संतों के आदर्श और शिक्षा को मूर्त रूप देने के लिए राधा स्वामी मत या संत मत की स्थापना की। उन्होंने 15 जून सन 1878 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। महान संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी जी महाराज ने आगरा में सन 1856 में बाबा जयमल सिंह जी को दीक्षा दी और उन्हें अपना आध्यात्मिक वारिस नियुक्त किया। पंजाब के घुमान गांव में यही वो घर है जहां उन्होंने जन्म लिया था। संत बाबा को अपने गुरु से आदेश मिला था कि वे सुरत शब्द योग का पंजाब में जाकर प्रचार करें। सुरत शब्द यानी अदृश्य तीसरी आंख का वो केंद्र बिंदु जो हर मनुष्य के पास है, चाहे वो किसी भी देश, जाति, वर्ग, वर्ण का क्यों ना हो। सन 1891 में संत बाबा ने डेरा की स्थापना की। ये जगह पहले उबड़ खाबड़ और भीड़ों से भरी थी, फिर भी यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण था। ये स्थान ब्यास नदी के तट पर है। डेरा की स्थापना के बाद इस जगह का स्वरूप बदलने लगा। अब तो ये जगह एक सुव्यवस्थित कॉलोनी के रूप में विकसित हो गई है। संत बाबा ने यह आसार संसार
सन 1903 में छोड़ा और संत मत का गुरुपद बाबा सावन सिंह जी ने संभाला। बाबा जी को अपने गुरु से दीक्षा सन 1894 में मरी में मिली थी। लोग उन्हें महान स्वामी जी के नाम से भी पहचानते थे। वे इसी घर में रहे जो बरसों तक आध्यात्मिक गतिविधियों का महान केंद्र बना रहा। हालांकि इस बस्ती की स्थापना बाबा जी महाराज ने की थी, लेकिन महाराज सावन सिंह जी ही इसके असली निर्माता थे। के कारण जगत सिंह जी ने एक कमरे को छोड़कर महान स्वामी जी के किसी भी स्थान का उपयोग नहीं किया। चरण सिंह जी ने संत मत का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। जीवित स्वामी जी ही संत मत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। महाराज जी कहते हैं, सभी संतों का संदेश एक होता है, सीख एक होती है। इस संसार में संत हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, वो मार्ग जो हमें अपने असली घर की ओर ले जाता है। वे कहते हैं, ईश्वर एक है और वो हमारे अंदर है। अगर हमें उसे पाना है तो उसे अपने ही अंदर ढूंढना होगा। संत हमें शब्द यानी उस जगन्नियंता शक्ति के बारे में बताते हैं जो परमात्मा का ही रूप है। सृष्टि के निर्माता परमात्मा को हम अपने स्तर से प्राप्त कर सकते हैं। वो परमात्मा शब्दमय ब्रह्म और शब्दमय शरीर है। शब्दमय महाराज जी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली टूटी कड़ी को जोड़ देते हैं। दीक्षा के समय महाराज जी शिष्यों को वो विधि सिखाते हैं और समझाते हैं जिससे आत्मा अपना सारा ध्यान शरीर से खींचकर तीसरे नेत्र के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर सके। इस विधि से शब्द या पवित्र ब्रह्म परम परमात्मा से संपर्क स्थापित होता है। ये शब्द हर प्राणी में निवास करता है। इस विधि से चेतना शरीर को छोड़कर तीसरी आंख के मध्य बिंदु पर केंद्रित की जाती है। इस विधि को महाराज जी ने जीते हुए मरना का नाम दिया है। साधारण मृत्यु और जीते हुए मरना में मुख्य अंतर यह है कि शरीर से आत्मा का संबंध विच्छेद नहीं होता। शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते रहते हैं और ध्यान अवस्था के बाद आत्मा फिर शरीर में लौट आती है। जिस किसी ने इस जीते हुए मरने की कला में प्रवीणता हासिल की है, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है और फिर से ग्रहण कर सकता है। इस ध्यानमग्न अवस्था में हम अपनी चेतना क्रमशः शरीर से हटाकर तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हैं। हम जीते हुए भी उस समय मर जाते हैं
और उस तीसरे नेत्र बिंदु पर पहुंचते हैं जबकि आत्मा की अपने घर की ओर अंतर यात्रा शुरू होती है। जी की शक्ति वो शक्ति है जो जिज्ञासु आत्मा को अपने अंतर के शब्द से जोड़ सकती है। हर आत्मा अपने अंतरतम में जाकर इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। ये विधि महाराज जी हर जिज्ञासु को बतलाते हैं ताकि हर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर अंततः अपने आदि स्रोत परमात्मा से मिल जाने का उपाय प्राप्त कर ले। स्वामी जी महाराज की सीख का एक ही उद्देश्य है, जो आत्मा लंबे समय से असंख्य जन्म जन्मांतरों के बंधन में फंसी है उसे जाति वर्ण और धर्म के घेरों से छुड़ाकर अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाना, उसे फिर से शब्द या परम परमात्मा से मिला देना। The purpose of Simran is to withdraw our consciousness back to the eye center, and the purpose of Dhyan is to hold our attention at the eye center. Dhyan is a great help for the disciple, to the disciple, but it is not must. Even without Dhyan, we will be able to hold our attention in the eye center. Our soul has two faculty, faculty to think and faculty to visualize. We are always thinking about something or another, and about whomsoever we are thinking, we also start visualizing those faces, visualizing those objects. So we have to eliminate this worldly thinking. We have to eliminate this worldly visualization. हर दिन सत्संग के फौरन बाद महाराज जी अतिथियों से मिलने अतिथि घर जाते हैं। ये अतिथि दुनिया के कोने कोने से एक सप्ताह के सत्संग के लिए डेरा आ पहुंचते हैं। महाराज जी के शिष्यों के लिए ये महान आनंद का अवसर होता है। उनकी चमत्कारी उपस्थिति शिष्यों और भक्तों को अनोखी शांति पहुंचाती है। महाराज जी को इतने समीप पाकर उनका आत्मिक आनंद हिलोरे देने लगता है। Atmosphere we built around us by meditation
should help us to keep straight in life, to help us in our daily activities in life. And meditation definitely helps us. It creates a certain bliss, certain peace, certain joy within ourselves. If you turn your back to meditation, how can you seek the forgiveness of the Father? You will have to come back to this creation again. You can be forgiven. Because when you are attending to meditation, that will create that faith in you. That will give you faith. But if you don't attend to your meditation, then how can you be forgiven? So meditation is more important. It automatically creates that faith and leads us to that experience that we get really convinced. Sant Sadguru Maharaj सभी लोगों से मिलते हैं तथा सत्संगियों, जिज्ञासुओं और बाहर से आने वालों को मिलने का विशेष समय देते हैं। आध्यात्मिक विषयों की पुस्तकें और पत्रिकाओं से युक्त पुस्तकालय और वाचनालय इस सत्संग बस्ती में सबके लिए उपलब्ध हैं। सत्संग के क्रियाकलापों की जानकारी और प्रसार के लिए परमार्थ के विविध प्रकाशनों का प्रबंध होता है और उन्हें दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। अलग अलग विभागों के अध्यक्षों द्वारा यहाँ का प्रबंध व्यवस्थापूर्ण तरीके से किया जाता है। ये लोग बिना पैसे लिए सेवा भाव से ये कार्य करते हैं। विशेषता है हर वर्ष यहाँ लगने वाला नेत्र चिकित्सा शिविर। इस शिविर में ज्यादातर आसपास के गांव के गरीब नेत्र रोगी आते हैं और इनमें से अधिकतर सत्संगी नहीं होते। मानवता के दुख निवारण की भावना के साथ इन्हें शिविर में भर्ती किया जाता है। डेरा की 50 से ज्यादा अतिथिशालाओं को शिविर वाले दिनों में अस्पताल के वार्डों का रूप दे दिया जाता है। यहाँ करीब 2000 आंखों के मरीजों को रखा जाता है। आईकेएम यह शिविर के सभी मरीजों को मुफ्त खाना, चाय, दूध, विटामिन और दवाइयां दी जाती हैं। मरीजों के साथ आने वाले उनके परिवार के लोगों को भी निशुल्क खाने और रहने की सुविधा दी जाती है। Thank you.
प्रतिवर्ष शिविर में करीब 2000 मोतियाबिंद और 200 अन्य नेत्र रोगों के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। कम साधनों में भी ऑपरेशन का ऊंचा स्तर कायम रखा जाता है। इसका एकमात्र कारण है सेवा और समर्पण की भावना। कोटी के आंखों के डॉक्टर यहां आकर आंखों के और खास करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं। शिविर में पधारते हैं और सब वार्डों का निरीक्षण करके इस बात का पता लगाते हैं कि डॉक्टरों को उनकी जरूरत की चीजें मिल रही हैं और बीमारों की ठीक से देखभाल हो रही है। सेवा और श्रद्धा का एक और रूप महाराज जी की उपस्थिति में अक्सर श्रद्धापूर्ण सत्संगियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये स्वयं सेवा और समर्पण परम आनंद की पूर्ति का साधन बन जाता है।
If there is no love, I wonder if this universe can exist, can go. We cannot live without love here. Hatred means eliminating each other. It's only love which sustains us in this creation. So that is the law of life. Maharaji, my question has already been answered, but I would like to know whether you have any special message to leave with us before you go. But sister, I have already given you the message which Christ said 2000 years ago, that sin against the Holy Ghost can never be forgiven. So we should also never turn our back towards meditation. No matter what human feelings we may have, how weak we may be, but if we continue in our meditation, we will definitely be able to grow with the help of that Holy Ghost, which the Lord has kept within every one of us. So we should never turn our back to that divine melody within. That is the message every mystic has given. And I can only remind you what they have been telling us all through. Maharaji, in the morning satsang you mentioned die to live. What is its real significance? Would you please explain it? Sister, we all know that we have to die one day. There's no escape. And meditation is nothing but a rehearsal to die daily. At the time of death, our soul is withdrawn from the bottom of our feet. And then when we are withdrawn till the eyes enter, then the soul leaves the body. So we say the person has died. And the same thing we try to achieve in meditation. We try to withdraw our consciousness right from the bottom of our feet to our eye center every day in order to be in touch with the divine light within, divine melody within. So this is dying while living. Unless we learn to die while living, we do not live forever. We do not get everlasting life, eternal life. So we have to die to live. We have to withdraw our consciousness to the eye center and be in touch with that divine melody within. And with the help of that light and divine melody, we have to travel within and find our destination and reach our destination and escape from birth and death. That is why Saint Paul said, I die daily. And Kabir and Dadu says that people are so frightened of death, and I die every day and I'm so happy to die every day. This is just a way of explaining.
देखते ही देखते 3 लाख तक पहुंच जाती है और महाराज जी के दर्शनों के लिए डेरा के गली और मैदान दर्शनार्थियों की भीड़ से भर जाते हैं। स्वामी जी महाराज की बाणी है।
इस छोटे जे शब्द के अंदर आप संत मत के मतलब संता महात्मा की तालीम और उपदेश के मतलब बड़ी अच्छी तरह हर पहलू तो खोल के समझा रहे हैं। वैसे तो मैं हर रोज ही अर्ज करता हाँ कि महात्मा किसी कौम किसी मजहब किसी मुल्क किसी वक्त अंदर क्यों ना हो, हर एक महात्मा सानू परमात्मा दे भगती करन दा इको ही तरीका समझाता है, इको ही साधन समझाता है। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं ये रचना दुनिया जो कुछ भी आप अखां नाल देख रहे हैं एक 84 का बहुत बड़ा सारा जेल खाना है। इस जेल खाने अंदरों परमात्मा ने निकलने का केवल एक दरवाजा रखा है। वो केड़ा दरवाजा है? वो इंसान का जामा है। ये मौका इसे वास्ते परमात्मा सानू बख्शता है कि इस तो फायदा उठा के असी मालक की भगती करिए, मालक नाल वसाल करिए, ताकि साडा देह दियां बंधना तो मरण जमण दियां दुखां तो हमेशा वास्ते छुटकारा हो सके। गुरु नानक साहब कहिंदे हन काया नगर नगर है नीको वि सबदा हर रस कीजे। साड़ी दे बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योंकि इस दे अंदर बैठ के आप हरी का सौदा खरीद सकते हैं, मालक की भगती कर सकते हैं। अगर लाहा है इंसान दे जामे का वो केवल मालक की भगती मालक का वसाल है क्योंकि पुत्र तियां थानू पता है हर जामे भी सानू मिलते आए हैं। खाना पीना ऐश इशरत किहड़े असी जामे विच नहीं कीता। अगर कोई अनोखी चीज है जिहड़ी पिछे किसी जामे अंदर आप हासिल नहीं कर सके केवल हुण हासिल कर सकते हाँ उह सिर्फ परमात्मा की भगती है, परमात्मा का वसाल है। इस वास्ते महात्मा समझाते हैं इस मौके तो फायदा उठा के तुसी उस मंजिले मकसूद नू अपने अखां दे रखो, उस डेस्टिनेशन की खोज करो, उस रूहानी सफर नू तय करो ताकि साडा देह विच आवण दा परपस पूरा हो सके, देह विच आवण दा मकसद पूरा हो सके। ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫੋਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਛਣ ਤੇ ਰੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਔਰ ਤਲਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70-80 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। जो वे कहे चित में तरना। जिते संगत रोज सुबह शाम मिट्टी की शमशान घाट से लागे सेवा करती है उस ही जगह शाम नू भी कल सुबह भी उत्थे ही सेवा होगी। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संग जी, कुल मालिक हजूर महाराज जी इस जगह कोई पौने घंटे के बाद तशरीफ लियाओगे, जिन्हें दर्शन करने हो बड़ी खुशी के नाल आ सकते हैं। दास से सुबह भी बेनती की थी जिन्हें पास ट्रैक्टर और ट्रालियां हैं वो कृपा करके शमशान घाट के पास मिट्टी की सेवा हो रही है, आप सारे ट्रक ट्रालियां ट्रैक्टर सब उसे लै जा और उसे जाकर जाके सेवा कर। राधा स्वामी भंडारा एक ऐसा अवसर है जो पूर्व गुरुओं की बरसी या पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं और पूर्व स्वामियों पर भक्ति और श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। नामदान या दीक्षा मंत्र भंडारा के अवसर पर होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। नाम या शब्द बिना लिखी बिना बोली एक ऐसी शक्ति है
जिसका नाम परमात्मा है। नाम मनुष्य के शरीर में प्राण शक्ति की तरह स्पंदन करता है, यही शक्ति परमात्मा की शक्ति है। नाम एक ऐसा खजाना है जिसे अपने भीतर से पाया जाता है। जो लोग इस खजाने को बाहर से पाने की कोशिश करते हैं वे जग की भूल भुलैया में फंसे रहते हैं, भूल पर भूल करते रहते हैं। नाम की शक्ति हमें केवल महाराज जी से ही मिल सकती है। महाराज जी से नामदान पाने के लिए लोग यहाँ देश के कोने कोने से आते हैं। नाम के हर उम्मीदवार को स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पति पत्नी एक साथ प्रस्तुत होते हैं और अकेले स्त्री या पुरुष अलग अलग। हर व्यक्ति से महाराज जी पहचान करते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न भी पूछा जाता है। व्यक्ति की स्वीकृति का संकेत महाराज जी से मिलने पर उसे नामदान दिया जाता है। नामदान या दीक्षा के समय महाराज जी शिष्य की आत्मा का शब्द से संपर्क कराते हैं, उस ध्यान की विधि समझाते हैं और उसे उस रहस्यपूर्ण ज्ञान का दान करते हैं जो विश्व की किसी किताब में नहीं पाया जाता। अतिथियों की सेवा का एक मुख्य साधन है लंगर। हर मनुष्य चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग और सामाजिक हैसियत का क्यों ना हो, यहाँ के रसोई घर से मुफ्त भोजन पाता है। इस परंपरा की शुरुआत बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने की थी। श्रद्धा और संगत के प्रति प्रेम भावना के साथ ये लाखों की रसोई तैयार की जाती है। हर क्षेत्र की गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित स्त्रियां सारे भेदभाव भूलकर पूजा की तरह इस महान पवित्र कार्य में जुट जाती हैं। भंडारा के दिनों में हर सुबह हर शाम महाराज जी लंगर पर पधारते हैं। जहां जहां सेवादार भोजन बनाते हैं महाराज जी वहां जाते हैं। Yeah.
वे उस स्थान पर भी पहुंचते हैं जहां चपातियां रखी जाती हैं। महाराज जी कुछ समय के लिए वहां शांत खड़े रहकर संगत में परोसे जाने वाले भोजन को प्रभु के आशीर्वाद से पवित्र करते हैं। पिछले कई वर्षों में लंगर या भोजन कराने के स्थान में काफी वृद्धि हुई है। इस समय कई एकड़ साफ सुथरी जमीन पर एक साथ 50,000 लोग भोजन कर सकते हैं। साधारण भोजनालय बाहर से आने वालों और यहाँ काम करने वालों को भोजन मुहैया करता है। Thank you.
विशेष रूप से लगाए गए तंबुओं, विशाल सत्संग घर और उसके बरामदों में जहां देखिए भीड़ ही भीड़ नजर आती है। डेरा का हर कोना सत्संगियों का आसरा बन जाता है। We can have only free will if we are free. Only a free person can have free will. A slave can have no free will of his own at all. As I said just recently, our soul is slave of the mind, and mind is a victim of the senses. सेवा संत मत का प्रमुख कार्य है। महाराज जी के भक्त और शिष्य प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा में लगे रहते हैं। सेवा सबके लिए अनिवार्य नहीं, ये तो स्वयं की प्रेरणा से की जाती है। सेवा से सेवादार विनम्र होता है और उसमें प्रेम और समझ पैदा होती है। वो ईश्वर और महाराज जी के आशीर्वाद का अधिकारी होता है। जहां संगत की सेवा होती है वहां स्वयं महाराज जी अवश्य पधारते हैं और पूरे समय तक वहां मौजूद रहते हैं। जी का एक और व्यस्त दिन उनके निजी निवास पर प्रातःकाल के भ्रमण से शुरू होता है। ओ
अंत तू देखरी तिल आसन डार शब्द गुरु नित सुनोरी मिल बासन जार सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे अर्श मझार तू भी सूरत स्वरूप है रहो गुरु की लार नैनन में गुरु रूप है तू नैनोघार सर्वण में गुरु शब्द है सुन गगन पुकार राधा स्वामी कह रहे यह मार्ग सार जो जो माने भाग से सो उतरे पार जो जो माने भाग से सो उतरे पार जो जो माने भाग से सो उतरे पार। उन्होंने कहा है राधा साधारण आत्मा का नाम है वही सूरत है और स्वामी नाम है परमात्मा का जिसे हम शब्द कहकर भी पुकारते हैं इसलिए राधा स्वामी और सूरत शब्द एक ही अर्थ वाले दो नाम हैं आत्मा यानी सूरत तभी शांति और विश्राम पाती है जब वो अपने आदि स्रोत परमात्मा अर्थात शब्द से जा मिलती है भूमि सूरत तभी शांति और विश्राम पाती है जब वो अपने आदि स्रोत परमात्मा अर्थात शब्द से जा मिलती है बूंद समुद्र से मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है